दोस्तों इंजन जो है कोई सी भी कंपनी का ट्रैक्टर हो एक मेन चीज होता है। तो मैं पहले किसान भाइयों को सेल्फ मार्क इसकी आवाज़ सुनवा दूँ। आवाज है और इसका ऑयल प्रेशर होगा दोस्तों 1000 नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक नई वीडियो पे। जो आज की वीडियो हम लेकर आए हैं 1035 DI गोल्फ मैसी फर्गूसन, जो कि 36 HP की श्रेणी में ट्रैक्टर आता और लगातार चला आ रहा जी। ये ट्रैक्टर जो है जितना चला हुआ 7 के टायरों पर चला हुआ, 8 मॉडल है, 8 के 7 के टायर है, MRF शक्ति लाइफ कंपनी के। और अगले टायर जो हैं ये ओनर ने नए डलवाए हैं, 616 का साइज है, गुडियर कंपनी के। नंबर की बात करेंगे UP 22 रामपुर का नंबर है। तो दोस्तों ट्रैक्टर आपको मिलेगा ये बुलंदशहर क्षेत्र में, ज़िला बुलंदशहर लग रहा, UP 13। और एड्रेस की बात करेंगे निसरखा गांव है, और जो ओनर है इनका नाम कपिल चौधरी जो दीवान जी हैं, इनके पास में एक स्वराज का 855 ट्रैक्टर अवेलेबल है, लेकिन ये जो है अपने काम के लिए रख रखा है इन्होंने। और ये गोल्स होगा जो ट्रैक्टर है अभी फ़िलहाल ऐसा कोई काम नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा समझें इस ट्रैक्टर को देने के लिए कह रहे हैं। तो चीज़ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बढ़िया मिलेगी जी। इंजन अभी कंपनी का है और जो टायर इसमें आप देख रहे हैं MRF में शक्ति लाइफ कंपनी के 8 मॉडल के टायर हैं, 8 का ही मैन्युफैक्चर, 8 के रजिस्ट्रेशन है। नंबर इसका UP 22 रामपुर का है। ये जो आप देख रहे हैं पट्टी इस पर लगी हुई मिलेगी। और दोस्तों जो इसमें हिच देख रहे हैं नया है, सपोर्ट के लिए डंडा लगा हुआ है, मरगाड़ पे ऊपर लैमिनेशन है किसान भाई जो ब्लैक कलर की। और मैं डेट दिखा देता हूँ किसान भाइयों को, ये डेट आ रही है जी 08 की। रिम वगैरह सब कंपनी के हैं। एक छोटी सी जानकारी जो रह गई थी वो बता दूँ, यहाँ से जैसे प्राइमर दिख जाता है तो ये प्राइमर दिख गया था, भाई ने इस पर हल्की सी स्प्रे मार दी। ट्रैक्टर नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा ओरिजिनल कंडीशन था, लेकिन इन्होंने क्या काम करा इतनी जानकारी नहीं थी, यहाँ से प्राइमर दिख रहा था तो इस पर जो है भाई ने हल्की सी स्प्रे मार दी। यह डैशबोर्ड का कलर होगा जी। स्टेयरिंग की बात करेंगे तो स्टेयरिंग इसमें दोस्तों राणे वाला है, यहाँ से कंडीशन देखें। और ये इसकी प्लेट, अब इसकी डिटेल की बात करेंगे दोस्तों। नंबर की बात करेंगे UP 22 रामपुर का नंबर है, और ऑनलाइन पेपर नेट पर आता हुआ, बम्पर आपको बड़ा वाला मिलेगा इस पर लगा हुआ, साथ में एक पर्डी लगी हुई मिलेगी जो पीछे लग रही है, बैलेंस रोड वगैरह साफ है, थोड़ा सा बेगोरा हो रहा है। ये दोस्तों इसकी कंडीशन होगी। दोस्तों इसकी इंजन की जो सीरीज है जो 1035 DI ट्रैक्टर है वो S324 से शुरुआत है। और पावर की बात करेंगे CC की, तो ये 36 HP श्रेणी में और 2400 CC का सिम्सन्स कंपनी का इसमें इंजन, जो लगातार कंपनी दे रही है इसमें मैसी में। और ये गोल्फ का ट्रैक्टर जो बहुत ही पसंद करते हैं किसान भाई। अब कि इसकी रेट की कीमत की बात करेंगे जी, ओनर का नंबर दूंगा, बाकी किसान भाई जो है फ़ोन के माध्यम से अपनी बात कर सकते हैं। एड्रेस मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा नोट कर लें एड्रेस को, ट्रैक्टर के को निसरखा गांव है और रोड पे पड़ता है सैदपुर के पास में, ये शाणे से रोड गया जी गुलावठी के लिए, UP 13 बुलंदशहर। धन्यवाद जी, मिलते फिर नई वीडियो पर। कोई किसान भाई जो है ट्रैक्टर अपना देना चाह रहे हो या लेना चाह रहे हो बिल्कुल भेजिएगा, आप फ़ोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो ये चीज़ जैसे आप देख रहे हैं ये है, अगर ज़्यादा चला हुआ हो तो ये घिसे हुए मिलते हैं। गियर ये 3 गियर वाला है, बढ़िया गियर
बढ़िया इंजन, इसमें कोई ज़्यादा गियर बदलने का झंझट नहीं है, स्टीयरिंग अच्छा काम नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि ट्रैक्टर जो है ज़्यादा गियर बढ़ा दे कंपनी तो उसका कोई ज़्यादा लाभ नहीं होता। सबसे अच्छा ये अपना 3 गियर वाला, ना ज़्यादा गियर बदलने का झंझट ना कुछ, हंटिंग नहीं करता, झटके नहीं मारता। महिंद्रा ट्रैक्टर जो है हंटिंग करता, अगर गियर आप उसे नहीं दोगे, आरपीएम उसके कम है, रेस नहीं दे रहे हो, तो ट्रैक्टर हंटिंग करता। दोस्तों टायर आपके सामने हैं, अगले टायर बिल्कुल नए हैं और पिछले वाले जो 7 के हैं, जितने भी समझा आप जय पैसे भी होंगे, मैं पैसे कम बढ़ दिए बता लो जी, परसेंटेज इतनी है। किसान भाई कहें भाई तुमने ज़्यादा बता रखे हैं, कम है, तो जितने भी हैं जी टायर आपके सामने हैं। दोस्तों ट्रैक्टर कैसा लगा कमेंट में बताऊँ, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नई वीडियो पर। भैया का नाम कपिल चौधरी, निसरखा गांव।